नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ब्लॉगिंग गुरु चैनल। मेरा नाम है मिलेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भी ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप राइट जगह पे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में कितने सारे जॉब चले गए, कितने सारे लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों को पैसे कमाने के जरिए नहीं है, बट आप भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं उसके लिए आपको मेरा चैनल एंड तक देखना पड़ेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से रास्ते हैं कि जिसके बेसिस पे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, किस किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, और उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको फुल प्रूफ के साथ में दिखाऊँगा कि आप महीने के 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी कमा सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि आज का जो युग है उसके अंदर लाखों लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो लाखों लोग जानना चाहते हैं, जिसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, आपका जो नॉलेज हो, जिस भी सब्जेक्ट पे आपको नॉलेज हो, वो नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, आपको जानेंगे, आपकी एक ब्रांड बनेगी और उस नेटवर्क के ज़रिए आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं उसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे उसके लिए आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो ब्लॉग दो तरीके से बनते हैं। एक है ब्लॉगर, जो गूगल का प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल फ्री है। दूसरा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिए और बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बनाएं। तो पहली चीज़, अभी आपको क्वेश्चन हुआ होगा कि ब्लॉग मतलब क्या। ब्लॉग मतलब एक ऐसी जगह कि जहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन डालते रहे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे डालेंगे, उसके लिए आपको चाहिए एक वेबसाइट। आपको एक वेबसाइट जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो वेबसाइट कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको चाहिए डोमेन। डोमेन एक बाय करनी पड़ेगी। होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करते हैं, और वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वन से लेके लास्ट स्टेप तक। तो आपने वेबसाइट बना लिया, आपने इन्फॉर्मेशन डालना चालू कर दिया। अभी आपको क्या करना है, अभी वेबसाइट बनाने से आपका काम नहीं बनेगा, उसके लिए आपको एक एडवांस प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका नाम है SEO। तो पहली चीज़, आपको क्वेश्चन रहेगा कि भाई SEO क्या होता है, तो उसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आजकल मार्केट के अंदर SEO के क्लासेस चलते हैं, पेड क्लासेस, जिसका फीस है 40,000 से लेकर 50,000 रुपीस उसका फीस रहता है। आप मेरे साथ में जुड़ेंगे, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में आपको स्टेप बाय स्टेप जो मेरी वीडियोस है उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप SEO कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि SEO पहले वेबसाइट में सब इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, फिर SEO कैसे कर सकते हो, दिखाने वाला हूँ। अभी ब्लॉग बनाने के लिए आपका इंटरेस्ट किस में है वो जानना ज़रूरी है। आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है, तो उसके बेस पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं अभी ऑनलाइन के ज़माने में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप की ओर, मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ब्लॉग बना सकते हैं, नीशेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की ओर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ब्लॉग का निश कैसे फाइंड आउट करना है, तो अभी मैं उसका प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉग का निश कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मेन तीन जो मेजर बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी निश फाइंड आउट करने के लिए। पहली है कि आप जो निश फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं कि नहीं है, आपका इंटरेस्ट जो है
तो आप उसमें एंजॉय, उस टॉपिक के लिए एंजॉय करेंगे तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप बीच में से उसको छोड़ के मतलब बंद कर देंगे तो आप ब्लॉग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। और दूसरा जो टिप्स है वो है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। आपने जो टॉपिक तो चूज़ कर लिया लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर आपको वो फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको उसका सर्च वॉल्यूम वो ट्रेंडिंग में है कि नहीं है वो एक चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई सीजनल टॉपिक आपने चूज़ कर लिया जैसे अम्ब्रेला, तो वो सिर्फ मानसून में ही चलेगा 4 महीने के लिए, तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। कोई आप ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए कि जो उसका ट्रेंड 12 महीने तक रहे और उसका ट्रैफिक और विजिटर 12 महीने तक आपके वेबसाइट में विजिट करें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि उसका डेली का जो विजिटर है वो 30 से 100 तक होना चाहिए, तो और मंथली हर महीने उसका विजिट रेगुलर होना चाहिए, तो वो आपको ट्रेंड में है टॉपिक वो चूज़ करना है। तीसरा जो टिप्स है वो मैं आपको बताऊँगा कि वो निश प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि अगर आपने टॉपिक भी चूज़ कर लिया, उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन वो आपको अर्निंग करके देगा कि नहीं देगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ निश चूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द निश वो भी आपको एक बार देखनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको कुछ टॉपिक दिखाता हूँ, उस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं कि कैसे कैसे ब्लॉग के ब्लॉग होते हैं, उसके निशेस कैसे होते हैं, वो मैं पूरा आपको लिस्ट अभी दिखाने वाला हूँ। तो आप ये मेरा चैनल एंड तक देखिए, वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो अभी जैसे मैं आपको बताऊँगा कि जनरल ब्लॉग के निश जो होते हैं, तो एक ब्रॉड लेवल का ब्लॉग होता है, जैसे पर्सनल फाइनेंस निश है, हेल्थ एंड वेलनेस का निश है, पेरेंटिंग निश के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उसके बच्चों को कैसे पाला जाए, बड़ा कैसे किया जाए स्टेप बाय स्टेप, वो सब लोग मॉम्स एंड डैड्स जो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट निश के बारे में लिख सकते हैं, वेबसाइट कैसे बिल्ड किया जा सकता है, लाइफस्टाइल का ब्लॉग आप बना सकते हैं। तो वैसे कई सारे जनरल टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग आप उसमें डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद में स्पेसिफिक टॉपिक आता है जैसे ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग के अंदर जैसे आपको सिटी गाइड आप दे सकते हैं, ट्रैवलिंग टिप्स दे सकते हैं, नई लैंग्वेज कैसे सीखेंगे वो बता सकते हैं लोगों को, कि वर्क के लिए जो ट्रैवलिंग होता है वो कैसे होता है, तो वो सब आप डिटेल में उसको दे सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका फिटनेस एंड स्पोर्ट निश। तो फिटनेस एंड स्पोर्ट निश के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक है, जैसे कि योगा फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप। आजकल योगा जो है वो बहुत सारा फेमस टॉपिक हो चुका है, तो योगा के बारे में लिख सकते हैं, क्रॉसफिट ट्रेनिंग के बारे में लिख सकते हैं, साइकिलिंग फॉर बिगिनर्स तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि कैसे साइकिलिंग करनी चाहिए, होम साइकिल रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, रनिंग एंड मैराथन्स के बारे में लिख सकते हैं, हाइकिंग के बारे में लिख सकते हैं, चीयर लीडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी आप डिटेल में अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो वैसे फिटनेस एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है। उसके बाद में आता है हॉबीज़ का निश। तो हॉबीज़ के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, गार्डनिंग फॉर कॉन्डो ड्वेलर्स है, ड्राइंग फॉर न्यूबीज़ है, लर्निंग टू प्ले टू उकलेल जो है वो उसके बारे में लिख सकते हैं, सेलिंग कैसे किया जा सकता है। उसके बाद में आता है अपना फूड का ब्लॉग, आप फूड के ब्लॉग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, एंटरटेनमेंट का ब्लॉग हो गया, गेमिंग का ब्लॉग हो गया, रिलेशनशिप ब्लॉग हो गया, फिर ग्रीन ब्लॉग हो गया, ग्रीन ब्लॉग मीन्स इको फ्रेंडली होम्स कैसे बनाए जा सकते हैं, लिविंग ग्रीन विद फैमिली उसके बारे में लिख सकते हैं, और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कॉमन एजुकेशन एंड करियर ब्लॉग वो भी आप बना सकते हैं, उसमें एजुकेशन के बारे में, करियर एडवाइस की जॉब के लिए कैसे इंटरव्यू के बारे में लिख सकते हैं, करियर कोचिंग के बारे में लिख सकते हैं। फिर अगर आप यूएसए का कंट्री टारगेट कर रहे हैं तो पेट, वहाँ पे बहुत वो इमोशनल कनेक्ट करते हैं तो पेट के बारे में लिख सकते हैं। फिर आगे टेक्नोलॉजी का निश, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक है, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाया जा सकता है, विदाउट कोडिंग मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, फिर सीनियर्स के लिए मोबाइल ऐप्स कैसा होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा सभी ब्लॉग्स के बारे में, निशेस के बारे में बताया कि इस टाइप के आप निश बना सकते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है निश फाइंड करना, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म आप उसमें लिख सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों के साथ में शेयर कर सके और उसका भी सर्च वॉल्यूम हो, तभी आपको विजिटर आपके पास में आएंगे। अदरवाइज़ लो सर्च वॉल्यूम में विजिटर आपके पास में नहीं आएंगे। तो आप अच्छे से अच्छा एक निश फाइंड आउट कीजिए। और अगले जो वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि वर्डप्रेस के अंदर अपना वेबसाइट स्टेप वन से लेके लास्ट स्टेप तक मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये अगले मेरी आने वाली अगली वीडियो को खास ध्यान से सुने और उसमें बने रहे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तब भी आपको पूरा का पूरा ए टू जेड वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने से लेके एसईओ का पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को कंटिन्यूस देखते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।